brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. क्या रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ खेल कर रहे हैं? क्या रायबरेली सीट पर जानबूझकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है? जी ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। दरअसल यूपी कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से एक 16 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग किसी शख्स को पकड़कर उसके साथ हाथापाई कर रहे हैं। वीडियो ट्वीट करते हुए INC यूपी की ओर से कुछ लिखा गया है। रायबरेली में गुरुबख्शगंज के हजीरपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता खुलेआम गुंडई कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भाजपाई कांग्रेस के एजेंट के साथ मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी हार को सामने देखकर अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था पर उसका विश्वास खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने DM और इलेक्शन कमीशन को टैग करते हुए मामले पर संज्ञान लेने के लिए कहा है। कांग्रेस के इस दावे पर रायबरेली पुलिस ने रिप्लाई देते हुए कहा है कि धारा अध्यक्ष गुरुबख्शगंज को वीडियो की जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। यूपी कांग्रेस ने एक वीडियो अपने एक्स पर पोस्ट किया। उस वीडियो को बताया गया कि हजीरपुर का वीडियो है जहां हार से बौखलाए भाजपाइयों ने कांग्रेसी लोगों को पीटा। वीडियो में चार युवक दिखाई दे रहे हैं जो एक युवक को पीट रहे हैं। इस बाबत जब थाना अध्यक्ष से बात की गई तो उनका कहना था कि हजीरपुर नाम का कोई गांव कम से कम गुरुबख्शगंज थाने में तो नहीं है। फिर भी वीडियो की जांच कराई जा रही है और विधिक कार्रवाई की जाएगी। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, गुरुबख्शगंज, रायबरेली। बता दें कि यूपी में फर्जी वोटिंग को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं। एटा का फर्जी वोटिंग करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। इस मामले में एटा जिले के नयागांव पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 171F और 419 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128, 132 और 136 के तहत FIR दर्ज भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।